आज जब सुबह मेरी आंख खुली तो ख्याल सबसे पहले मेरे दिमाग में आया वो था कि क्या मैं जिंदा हूँ। कल रात बहुत बुरी कटी थी। पूरी रात मैं चाकू हाथ में लेकर के लेटा रहा। कई बार ऐसा लगा जैसे कि कोई जानवर मेरे टेंट के बाहर घूम रहा है। कल रात नहीं सो पाने की वजह एक और भी थी, अगले 24 घंटों का फ्लैश फ्लड और बारिश का अनुमान था। लाहौल स्पीति के इस एरिया में ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया था। बहुत सारे बादल छाए हुए थे और ऐसा लगता था कि जैसे सारे जहां की बारिश इसी जगह पे होगी और मुझे और मेरे टेंट को ये निगल जाएगी। सुबह की इस धूप ने और हसीन नज़ारों ने मुझे थोड़ी हिम्मत दी। अब मैं यहां से अपना टेंट पैक करके रोहतांग तक का अपना सफ़र पूरा करूंगा। आज मेरी लाहौल स्पीति बाय वॉक ट्रिप का डे 47 है। A very good morning and welcome to your own channel Cycling Beast. और ये जगह रोहतांग टॉप से करीब 6 किलोमीटर पहले है। मैंने एक शॉर्टकट लिया था जिसमें मैं खो गया था और खोने के बाद पहुंचा था यहाँ जहाँ लगाया था मैंने अपना टेंट। वेदर रिपोर्ट के हिसाब से कहा जा रहा है कि 10 तारीख तक रोज़ बारिश होने वाली है, तो मेरी कोशिश है मैं जल्दी से रोहतांग टॉप को क्रॉस कर लूँ। टेंट सूख भी जाएगा, काफ़ी गीला है, घास भी गीली है। आज मैंने नाश्ते में किन्नौर का एनर्जी फूड खाने का सोचा है। ये जौ का सत्तू है। जब बच्चे स्कूल जाते हैं या सुबह को जब इनको नाश्ता करना होता है तो ये लोग चाय के कप में सत्तू मिला लेते हैं। मैंने भी कुछ ऐसे ही किया है और मैं वही खा रहा हूँ। हलवे जैसा लगता है, चाय की मिठास और सत्तू, तो ये यहाँ का एनर्जी फूड है, यही आज का नाश्ता है। ये है मेरा वाटर सोर्स। बर्तन धोना, हाथ मुंह धोना सब यहीं पर हो रहा है। कल आज जो कुकिंग में पानी यूज हुआ है वो भी इसी जगह से था। यहाँ से पानी भर रहा हूँ अभी पीने के लिए। पानी का रंग थोड़ा गंदा लगेगा आपको क्योंकि बारिश होके हटी है, कुछ धूल के कण हैं बीच में। थोड़ा प्लान चेंज किया मैं नीचे की तरफ से, वहाँ से इसको ट्रैक को कंप्लीट करके ये ऊपर चढ़ूंगा उस पहाड़ के। थोड़ा आगे चल के मैंने जो देखा उसे देखकर और उसे समझकर अब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। कल रास्ते में हमने एक भाई मिले थे जो कि एक शेफर्ड हैं और उन्होंने मुझे रोहतांग टॉप का जो व्यू पॉइंट है वहाँ तक पहुँचने का एक रास्ता बताया था। मैं उसी रास्ते को फॉलो करता करता यहाँ तक पहुँचा। यहाँ पहुँच करके जब मैंने गूगल मैप में चेक किया तो मुझे लगा कि मैं रोहतांग व्यू पॉइंट से थोड़ा दूर बढ़ रहा हूँ। तब जाके मुझे अमनिक भाई की इंटेंशन पे शक हुआ और मुझे लगा कि वो मुझे क्यों इंसिस्ट कर रहे थे कि मैं रात को शेफर्ड के साथ उनके कैंप साइट पे रुकूं। अब मेरे को अमनिक की बातों पर यकीन रहने गया है, लग रहा धोखा हुआ और मैं इस डेरे पर उनके साथ रुकना नहीं चाहता। ऊपर ये सब मिले हुए ना पता लगे मैं मेरी मौत ही हो जाए। लेकिन अब जब मैं यहाँ पर खड़े होकर के देख रहा हूँ, जब रोहतांग व्यू पॉइंट एकदम मेरे नज़दीक है, तो मैं समझ पा रहा हूँ कि उन्होंने मुझे सही गाइड किया था और ये कैंप साइट तो रास्ते में ही पड़ती है। मुझे लगता है कल मैंने गलती की, मुझे रास्ता अमनिक भाई ने गलत नहीं बताया था, सही बताया था और उसके पीछे उनका कोई निजी स्वार्थ था नहीं। अगर मैं इन गडेरियों की बस्ती पे रात को आकर के रुकता जो सामने दिख रही है जहाँ गायें खड़ी है, तो अल्टीमेटली मैं इसी पहाड़ पे चढ़ता। मुझे ये नहीं करना चाहिए था। तो एक बार अमनिक भाई मैं माफ़ी चाहता हूँ जो मैंने आपके इंटेंशन को गलत समझा, हो सके तो माफ़ कर दीजिएगा। ये जगह ही खतरनाक नहीं है, यहाँ के रास्ते भी खतरों से भरे हुए हैं। आप खुद देखो, यहाँ पे सिर्फ ठंड और चढ़ाई की वजह से ही रास्ता मुश्किल नहीं होता है। ये जो रास्ता है जिस पे मैं चल रहा हूँ ये बहुत नैरो है, ये अनइवन है, यहाँ पर बार बार पाँव ट्विस्ट होता है और पाँव में मोच आने का खतरा बना रहता है, तो यहाँ पर आपको बहुत संभल के चलना होता है। पहला व्यू मुझे दिख गया रोहतांग टॉप का, जो व्हाइट सा सुपर दिख रहा है वो रोहतांग टॉप है दोस्तों। इस ट्रैक का एक और पड़ाव पार कर लिया, वो पत्थर से होता हुआ ये रास्ता पकड़ के मैं यहाँ पहुँच गया हूँ। तो इधर किनारे किनारे होते हुए मुझे आगे वहाँ तक बढ़ जाना है। रोहतांग टॉप कुछ भी कहिए है बहुत खूबसूरत। थोड़ा आगे चल के मैंने कुछ ऐसा देखा जिसको देख के सबसे पहले मेरे को ख्याल आया कि क्या ये मेरा वेट उठा लेगा, टूटेगा तो नहीं। और इस थॉट के माइंड में आने की वजह थी ये ग्लेशियर जो बिल्कुल एकदम रास्ते के बीच में था और मुझे इसके ऊपर से चल कर ही जाना था। तो रिस्क लेकर मैं इसके ऊपर चढ़ गया हूँ और धीरे धीरे चलता हुआ आगे बढ़ रहा हूँ। हर एक कदम के साथ जो पाँव के नीचे चर चर बर्फ के टूटने की आवाज़ आती है वो बहुत खतरनाक लग रही है, बहुत संभल के कदम रखना पड़ रहा है। फाइनली संभल कर चलते चलते मैं इसे पार कर लेता हूँ और बहुत खुशी मिलती है पार करने के बाद।
अगस्त के महीने में आपको ज़्यादातर इस इलाके में ग्लेशियर्स देखने को नहीं मिलते, लेकिन अब से 15 या 20 दिन पहले जो स्नोफॉल हुआ था और नीचे प्लेन एरिया में जो फ्लड हुई थी, बादल फटे थे, अभी भी इस ट्रैक के ऊपर जो मैंने डोरनी से रोहतांग तक मैं कर रहा हूँ, यहाँ पर आपको इस तरह से ग्लेशियर देखने को मिल रहे हैं। तो बहुत संभलते हुए मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ। अच्छा, जहाँ से सुबह मैंने पानी भरा था वहाँ पर पानी साफ नहीं था, वो मड़ी था, लेकिन मजबूरी थी तो उसी को मैं भर के पानी आगे निकल पड़ा। अब जब ये मुझे साफ पानी यहाँ पर नज़र आ रहा है तो पानी की बोतल पहले खाली कर दी और ये साफ पानी भर लिया और एक बोतल पी भी ली। शरीर को जाके इसने इतना ठंडा कर दिया कि मैं बड़ी देर तक कांपता रहा। और बढ़िया सब। ओ रोहतांग, ऊपर से जाऊं? बारिश है पूरे 10 तारीख तक, 7 तारीख तक तेज बारिश है, उसके बाद हल्की है, तो सोच रहा हूँ फटाफट पहुँच जाऊँ कहीं छाया में। ना जी ना, आज मड़ी पहुँच जाऊँगा ऐसा लग रहा है। तो इस डेरे से निकल रहा हूँ, ये भाई बोल रहे हैं कि ऊपर से जाओ, उनका बताया रास्ता लेके ऊपर चढ़ रहा हूँ। क्या मक्खियाँ हैं, कान में घुस जाती हैं, खतरनाक है यार। ये इसका है घोड़ी का, ये जो खड़ी है सामने, काले रंग का रहेगा ये हमेशा या रंग बदल जाएगा इसका? अच्छा, चढ़ाई चढ़ रहा हूँ अभी, ये चढ़ाई और वो टॉप। उड़ते हुए इन बादलों को देखो आप, जैसे नदी की ओर बढ़ रहे हो पानी भरने को, बहुत अच्छे है। तरफ भी कुछ ऐसा ही दृश्य दिखेगा। सो ये रास्ता लेकर उस पहाड़ के पीछे टॉप तक पहुंचूंगा मैं, देखते हैं और कितना जाना है। एक और लूप जैसा क्रॉस कर लिया, ऐसे ऐसे मुझे दो और पार करने। चेक दिस ग्लेशियर, धीरे धीरे पिघल रहा है और पानी बहकर जा रहा है। तो अब ये चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी आपको एक जगह पे। इसके आगे का दृश्य इसके बाद दिखाता हूँ, इस रास्ते से होते हुए आपको यहाँ तक पहुँचना होगा। कहते हैं ना, जो आप सोचते हो वो हो जाता है, और ये बात सिर्फ पॉजिटिव विचारों पे अप्लाई नहीं होती, ये नेगेटिव विचारों पे भी अप्लाई होती है। अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था कि रास्ता नैरो है, अनइवन पाथ है, पांव ट्विस्ट हो जाता है, और देखिए ये मेरे साथ हुआ भी। पांव ट्विस्ट हो गया, पांव में मोच आ गई। हमें तो मोच आ गई है, कैसे चलूँगा अब मैं? थोड़ा देसी जुगाड़ बिठाता हूँ। हमारे गांव में जो मालिश करने वाले होते थे वो झटका मारते थे पाँव को, ठीक हो जाता था। देखिए करके देखता हूँ, शायद बात बन जाए। मेरी ये जो टेक्निक है ना, ये हमेशा काम करती है, और इस टेक्निक ने आज भी काम किया और मैं चलने लायक बन पाया। लेकिन मेरी जो आज की मुसीबतें हैं ना, वो कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। ये हवा इतनी तेज चल रही है कि एक तो मैं आंखें नहीं खोल पा रहा हूँ, आंखें बंद हो जाती इस तेज हवा में, और दूसरा ये है कि ये हवा इतनी तेज और ठंडी है कि ये मेरे कपड़ों के पार होते हुए मेरी हड्डियों तक को अंदर से कपा रही है, और मेरा ठंड के मारे इस वक्त बुरा हाल है। आप वो जो सामने सफ़ेद स्तूपा देख रहे हैं ना, अब काफ़ी बड़ा नज़र आ रहा है, लेकिन जो रोहतांग का व्यू पॉइंट है वहाँ से जब मैं देख रहा हूँ तो बहुत छोटा सा दिख रहा था, लेकिन इसको देख के खुशी बहुत मिली थी कि मैं सही रूट पर हूँ और सही मंजिल की तरफ बढ़ रहा हूँ। जमीन पे इतने सारे रंग बिरंगे फूल खिले हैं कि मुझे चलते चलते ऐसा एहसास हो रहा है जैसे कि मैं बगीचे में चल रहा हूँ। हर तरफ हरियाली है और मैं अपनी मंजिल के एकदम नज़दीक पहुँच चुका हूँ। मुझे ऐसा एहसास होने लगा है कि जो मैंने एक बहुत मुश्किल सा टास्क हाथ में लिया था कि 650 किलोमीटर मैं लाहौल स्पीति का वॉक करूँगा, आज मुझे उसके पूरे होने का एहसास हो रहा है। ऐसा फील कर रहा हूँ जैसे कि ये वॉक मेरा आज पूरा हो गया, मैंने जो चाहा था ना वो मैंने पा लिया। ये बड़ी खुशी देने वाला, बहुत इमोशनल सा मूवमेंट बनता जा रहा है मेरे लिए। एक और वाटर क्रॉसिंग, इसके बाद मैं ऊपर चढ़ के पहुंचाऊंगा टॉप तक। पत्थर हिल रहे हैं, बैलेंस बिगड़ा तो गए, तो बड़े ध्यान से आपको पाँव रखना है पत्थर पे और चेक करना है। ये देखो, तुमको बता रहा था, खुद ध्यान नहीं दिया, बी केयरफुल। ये देखो, पाँव रखने के बाद पता चलता है
पहले लगता है ठीक है। होगा सड़क पे कनेक्ट हो गया हूँ मैं आकर के। ये है देखो वो स्तूपा, ये रास्ता, और ये है रोहतांग पास। तो 11:15 बजे मैं पहुँच गया दोस्तों। मैं ऐसा फील कर रहा हूँ कि अगर हम इंसान कुछ पे ठान लें ना तो वो पूरा कर सकते हैं, वो कर ही देते हैं पूरा उसको। फ्लड, बारिश, लैंडस्लाइड, ठंड और खतरों का सामना करने के बाद आज फाइनली मैं रोहतांग पहुँच गया हूँ। और यहाँ खड़े होकर मुझे वो पहला दिन भी याद आ रहा है जब मैं सफ़र पे निकलने वाला था। मेरे अंदर बहुत सारे डाउट थे, मैं घबरा रहा था कि क्या मैं ये इतना लंबा सफ़र पूरा कर पाऊँगा, और फाइनली आज वो पूरा हो गया। अच्छा, क्या आपको पता है कि रोहतांग का मतलब क्या होता है? और रोहतांग का मतलब होता है पाइल ऑफ डेड बॉडीज, यानी कि लाशों का ढेर। और ये बात सच भी है, हर साल इस रोहतांग पास को पार करने की कोशिश करते हुए सर्दियों के टाइम पे स्पेशली बहुत सारे लोगों की डेथ हुआ करती थी, और इसी वजह से इसका नाम ये पड़ा। ये दो शब्दों से मिलकर के बना है, रूह और तांग। तो रूह का मतलब होता है ह्यूमन बॉडी, और तांग का मतलब होता है ढेर। तो ह्यूमन बॉडीज का ढेर यानी रोहतांग है ना, खतरनाक जगह। मारी यहाँ से 17 है, इंग्लिश में मारी बोलेंगे, हिंदी में मढ़ी कहते हैं इसको, मतलब कोकसर 21 किलोमीटर है। घने बादल इस बात का संकेत है कि बारिश हो रही है या होगी, जरूर होगी, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। देखो आज मैंने सीखा है कि डर के आगे सच में जीत होती है। डर का सामना करो और घर से निकल पड़ो, फिर दुनिया या कुदरत की कोई भी ताकत आपको नहीं रोक सकती। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब सेलिब्रेट करने का टाइम आ गया। आओ मैगी खा करके, चाय पी करके सेलिब्रेट करते हैं यहाँ रोहतांग टॉप पर, और आपसे मिलते हैं इसी जर्नी के अगले पड़ाव पर। अभी भी एडवेंचर बाकी है, देखते हैं कि मैं यहाँ से मनाली तक का अपना सफर बिना किसी खतरे का सामना किए पूरा कर भी सकता हूँ या नहीं। मैगी बन रही है, क्या रेट है मैगी का? 70 की मैगी, और क्या खाने को? बस मैगी है, चाय भी होगी। चाय कितने की आपके यहाँ? तो आप एक काम करो, एक मैगी बना के खिला दो मेरे को भी। रोहतांग पास पे मैगी खाई जा रही है। और हाँ, जाते जाते अगर आप भी मेरी तरह लाहौल स्पीति बाय वॉक या लेह लद्दाख बाय वॉक करना चाहते हैं, और आपकी कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके बता दीजिएगा, मैं जरूर आपको सपोर्ट करूंगा। और साथ ही साथ आपको ये भी बताता चलूं कि अगले साल मैं जांस्कार का वॉक करने वाला हूँ, रूमिंगला टॉप भी बाय वॉक करने वाला हूँ। तो आप में से अगर कोई मेरे साथ चलना चाहे तो अपना इंटरेस्ट कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए, हम एक ग्रुप बना करके भी साथ में चल सकते हैं, लेकिन ये होगा 2024 में। तो अपना ध्यान रखिए, अब हम जल्दी मिलेंगे।